आयुष, आपने जो ये आइडिया डेवलप किया है ना, तो ये किसके लिए किया है? ये जो किसान होते हैं उनको रात में बहुत जाना पड़ता है खेत पे पानी पीने के लिए, और हम जा रहे थे वहाँ पे शेर भी बहुत आते हैं, तो रात में प्राणी को डर रहता है उसको, तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने बनाया है। इसकी मदद से हम अपने घर पे बैठ के खेत पे पानी दे सकते हैं, हमको खेत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे बैठ के। यस, ठीक है। यस, तो उसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, टैब होना चाहिए। स्मार्टफोन तो सबके पास है, टैब ऐसा कोई नहीं है, स्मार्टफोन पे भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये आपका स्मार्टफोन है, इसका कोई ऐप डिजाइन है? यस, इसके अंदर एक ब्लिंक आईटी नाम का एक ऐप है, नया बनाया, पहले से अवेलेबल है, नया बनाया। इसके अंदर एक पब्लिक ऐप, लेकिन इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डाला है। अच्छा, पब्लिक ऐप है, ऑलरेडी अवेलेबल है ना? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाला है, ऐसे ही नहीं खुल जाता। ठीक हो गया। अब ये जो आपका जो टैब है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है? ये कनेक्ट नहीं है, अभी चार्जर है। अच्छा, रिचार्ज हो रहा है, तो इससे क्या कनेक्ट हो रहा है? ये इसके हमने एक सिस्टम है, नोटिफिकेशन की, उसमें कोडिंग करके हमने इसके साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट किया है, फिर अब क्या करेगा? अभी इसके बाद आप खेत की ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, और इस चार बटन से पानी। तो ये सॉइल आपके फील्ड से कहाँ से कनेक्ट है? ये एक सेंसर है, ये जो खेत पे लगा होगा उससे हम चेक कर सकते हैं सॉइल मॉइस्चर। और एक तो सॉइल मॉइस्चर चेक कर लोगे, कितनी पानी की जरूरत है, यही ना? यस। और क्या करोगे? और टेम्परेचर, उससे भी पता चलेगा कि हमें कब खेत में पानी देना है, कब नहीं देना है। पानी कहाँ से आएगा? पानी अब ये मोटर करेंगे उधर से, तो उधर ये मोटर पानी खींचेगी और इधर आएगी। ओके, अच्छा, मोटर भी लगी है, मोटर पानी खींचेगी पाइप के थ्रू। और इसमें तुमने ये सारे खाद फर्टिलाइजर का दिया है ना? यस, ये पूरा सब खाद है। तो फर्टिलाइजर का कैसे टेस्ट करोगे? वो हम इस पानी के साथ दे सकते हैं, वो नेचुरल तरीके से बने हुए लिक्विड फॉर्म में जाएगा, लिक्विड नेचुरल तरीके से बने हुए। और ये स्कैन काहे के? ये स्कैन के हमें पता चलेगा कि अलग अलग फसल की जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा, ये किन से? यस, ये सब अलग अलग इंसान। बहुत अच्छा।